गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. दिस इज एन एप्लीकेशन, यू विल राइट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. ये एक एप्लीकेशन है जिसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी में लिखनी है, ठीक है? गुड मॉर्निंग रिमी. एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव 2 डेज. 2 डेज के लिए आपको सिक लीव लिखनी है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग क्लास 1 और 2 में भी लिख चुके हैं. टू द प्रिंसिपल जो भी एड्रेस होगा वो सीक्वेंस में होगा, ठीक है? टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा लोकमान्य तिलक स्कूल कॉमा राजरूपपुर कॉमा प्रयागराज फुल स्टॉप. एड्रेस कंप्लीट, फुल स्टॉप, ठीक है? ये आप एड्रेस कर रहे हो ना, तो जब तक एड्रेस कंप्लीट नहीं होता आप कॉमा पुट करोगे. टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा, तो ऐसे करके फिर जब आप एक सीक्वेंस में लिख देते हो टू द कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा लोकमान्य तिलक स्कूल कॉमा राजरूपपुर कॉमा प्रयागराज कॉमा, ठीक है? इतना आपने लिखा. फिर अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि आपको क्यों चाहिए, आप उसके बारे में बताओ. सिक लीव, सिक लीव मतलब बीमारी के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन. फिर मैम लिख के कॉमा रिस्पेक्टफुली आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 डेज. लास्ट 2 डेज से मुझे फीवर है. यहाँ लास्ट 2 डेट, जिस भी डेट को आप लिखोगे उससे 2 रात पहले, जैसे आज 5 है तो आपको 3 और 4 फेब की डेट डालनी है, ठीक है? सो आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी लीव फॉर 2 डेज, ठीक है? मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दीजिए. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. या मैंने XYZ लिखा है, आप अपना नाम लिखोगे, फिर क्लास लिखोगे, फिर डेट लिखोगे. जिस भी दिन लिखोगे उस, जैसे आज लिखोगे तो आज की डेट लिखोगे, कल लिखना है तो कल की डेट लिखना. जिस भी दिन आप एप्लीकेशन लिखते हो आपको उसी दिन की डेट लिखनी है, ठीक है? और मैं नेम कहाँ लिखना है? नेम या योर सिंसियरली के बाद ना, यहाँ पे नेम, यहाँ देखिए योर सिंसियरली के बाद, एक मिनट, यहाँ पे जहाँ मैंने कट किया है यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे. नेम लिखने के बाद ये देखिए मैंने नेम लिख दिया है यहाँ पे, कि नेम यहाँ पर आएगा. नेम के बाद क्लास आएगी, क्लास के बाद डेट आएगी, ठीक है? 3 स्टेप रहेंगे, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली के बाद योर नेम, क्लास एंड डेट, तीनों चीजें लिखनी है. मैं एक मिनट इसको हाइट कर दे रही हूँ और जितना रेड लाइन हटा दे रही हूँ ताकि आप लोग को एप्लीकेशन अच्छे से दिख जाए. मैं इरेज कर दे रही हूँ सब, ठीक है? इसको शॉर्ट भी कर दे रही हूँ एक मिनट, कि आपको पता चल जाए कि पूरी एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, ठीक है? यहाँ पर बस याद रखना कि यहाँ पर नेम, फिर क्लास, फिर डेट. क्लियर हो गया सबको? यस मैम. ओके ओके. अब नेक्स्ट है आपका लेटर. ये तो थी आपकी एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको लिखना है लेटर. तो लेटर कैसे होगा उसको भी देख लीजिए. इसमें आप राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर फॉर योर बर्थडे पार्टी. आपको अपने फ्रेंड को इनविटेशन देना है, किसके लिए? बर्थडे के पार्टी के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे. यहाँ पे सेंडर अपना लेटर लिखता है, आप सेंडर हो ना, आप भेज रहे हो. यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे. मैंने अपना एड्रेस अभी शॉर्ट में लिखा है, लालबाग कॉलोनी. आप अपना हाउस नंबर, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है उसको आप, जो भी सेंडर होता है वो सेंडर यहाँ पे लिखता है, ठीक है? यहाँ पे सेंडर अपना
एड्रेस लिखता है, फिर जिस भी डेट को आप लिख रहे हो आप वो वाली डेट लिखता है, फिर डियर प्रिया, हाउ आर यू, मतलब आपकी फ्रेंड है, आप जो भी नाम आपका फ्रेंड हो या फ्रेंड हो उसका लिख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, आप उसका नाम लिख सकते हो, हाउ आर यू, फिर आई एम फाइन एंड आई होप यू आर ऑल्सो द सेम, मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ पे ठीक होगी, टुडे इज माई बर्थडे, या माई एंड आई एम गिविंग अ पार्टी एट माई होम 6 PM, आई होप यू विल बी एबल टू कम, योर लविंग, यहाँ पे आप अपना नेम लिख दोगे। या आपका बर्थडे अगर 2 दिन बाद है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माई बर्थडे इज ऑन दैट आई एम गिविंग अ पार्टी, तो फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं इसको भी हाइट कर दे रही हूँ, इसको अच्छे से आप देख लीजिए कैसे करना है। इस लेटर में सबसे ऊपर सेंडर अपना एड्रेस लिखता है, इस चीज को मत भूलना, एड्रेस और डेट, ये 2 लेटर और एक एप्लीकेशन आपके सिलेबस की हैं और आपको इसको प्रिपेयर करना है। ओके चिल्ड्रन, मैं ऐसे कल कराऊंगी।